भी पार नहीं होगे, क्योंकि कहां वो जगत का पालनहार, तो उससे पंगा लेके कैसे फेस जाएगी परीक्षा जी। तो हिरण्यकश्यप भगवान से बैर मान बैठा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी कुमारन के पास में गए। कुमारन रो रही थी, उससे अवा में बिल्ली के बच्चे दब गए। कुमारन भगवान का नाम ले रही है, प्रभु अगर आपने शक्ति होगी, अगर मैं आपका आपकी मैं भक्त होंगी, थोड़ी सी भी मैंने भक्ति की होगी तो बिल्ली के बच्चे बाहर निकल आए। प्रहलाद जी ने कहा, कुमारन तुझे नहीं पता उस विष्णु ने मेरे चाचा को मारा, अब तू उसी भगवान का नाम ले रही है, मेरे पिताजी को पता चल गया तू मारी जाएगी। कुमारन कहने लगी, तेरा बाप तो झूठा है, झूठा है, वो अपने आप को भगवान मान बैठा है, लेकिन जब उस भगवान से सामना होगा तब तेरे बाप की भी पेश नहीं जाएगी। सही बात, जब उससे सामना होता है ना तो अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल जाते हैं परीक्षा जी। तो कुमार ने प्रहलाद जी से कहा था, तेरा बाप झूठा है, वो झूठा भगवान बन के बैठा है, लेकिन जिस दिन असली भगवान से मिल जाएगा उस दिन उसकी बुद्धि खुल जाएगी। और इसमें जो बिल्ली के बच्चे दब गए ना, मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि ये बिल्ली के बच्चे सही सलामत निकल के बाहर आएंगे। और सही बात है, भगवान और भक्त का ऐसा संबंध होता है कि भक्त भगवान को जब भी बुलाता है तब तक भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भक्तों को बुलाने में देर हो जाती है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीर खिंच रहा था दादा, तो महाभारत में जब द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था और द्रौपदी को जब दुशासन नगिन कर रहा था, तब द्रौपदी महाराज अपने पांच पतियों से, पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से, बड़े बड़े बलधारी योद्धा बैठे, सबसे द्रौपदी मदद मांग रही, कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो, किसी ने मदद नहीं की। अंत में जब साड़ी का एक छोक रह गया तब द्रौपदी समझ गई कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। भगवान बैठे द्वारका में, भगवान रुक्मणी ने सामने थाली का महाराज भोजन की थाली रख दी, कहा नाथ भोजन कर लीजिए। भगवान ने जवाब दिया, नहीं रुक्मणी मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नीचे सभा बीच में मेरी बहन लगिन की जा रही है, और लेकिन फर्क इतना है कि मेरी बहन अभी मुझे बुला नहीं रही है। अगर मैं भोजन करने में व्यस्त हो गया और मेरी बहन ने मुझे बुलाया तो मैं फिर भोजन छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान के सामने भोजन की थाली रखी, भगवान भोजन नहीं कर रहे। जब साड़ी का एक छोक रह गया तब द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े किए, कन्हैया तो मेरी लाश तुम्हारी यहाँ तो। द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, जवाब दिया, अब तो मेरी लाश तुम्हारी यहाँ तो। और जब ये बात कही तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। जब भगवान ने द्रौपदी की चीर की रक्षा की तब द्रौपदी ने कन्हैया से एक बात कही थी, कौन सी? श्याम सुंदर तुम तो सब जानते हो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है तन की जाने मन की जान, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की छोरी छुपी जगे हट जगत। जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगे हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी ने कहा, तुम सब जानते थे कि बीस सभा में हम नगिन किए जाएंगे, पहले ही आ जाते तुम्हारी ये दशा ना होती। भगवान मुस्कुराए के बोले, तुम पहले ही बुला लेती तो तुम्हें हमें तक पहुंचना ही ना देते, पहले ही बुला लेती। और यही सत्य बात है परीक्षा जी, क्या कि भक्तों को बुलाने में देरी लगती है लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं लगती। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसका रक्षक भगवान बैठा हो दुनिया में कोई कुछ
का बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात कुमार ने भगवान से प्रार्थना कर रही, हवा को खोल रही है, हे प्रभु इस हवा में से जो बिल्ली के बच्चे दब गए थे वो सही सलामत बाहर आ जाए, और अगर हवा बीच में से बिल्ली के बच्चे जिंदा वापस ना आए तो आपका नाम संसार में झूठा हो जाएगा। भगवान कहाँ है मैया जी बताओ, मैया माई डियर मैया भगवान कहाँ है, भगवान बताओ बताओ मंदिर में सब जगह भगवान जहाँ भी है भगवान अपने भक्तों के बस में हुआ करते हैं, कहाँ भक्तों के बस में, फिर आप लोग भगवान को बुलाते क्यों नहीं हो बताओ, क्यों नहीं बुलाती हो, संग ही रहते, पक्की बात, अच्छा बिल्कुल सही बात है, भगवान कहीं और नहीं, भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं, क्योंकि विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कहते आए भगवान भक्त के बस में होते कुमार यादव, 100 रुपए विकास यादव, 100 रुपए अनुराग यादव, 100 रुपए कैलाश यादव, 100 रुपए श्यामवीर यादव, 100 रुपए छोटे लाल फौजी, ये सभी भैया नंगला लोकी एटा से आए हुए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और ये भैया जी कथा बुकिंग करने के लिए आए हैं, इनकी कथा 1 जुलाई से बुकिंग हो गई है, 30 जून, अच्छा अच्छा 30 जून से इन भैया जी की यहाँ पर कथा होगी, तो ये भैया जी कथा बांधने के लिए यहाँ तक आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, आपकी फरमाइश भी है वायरल सॉन्ग, अच्छा 2 मिनट रुक जाइए मैं सुना रही, ठीक है, होते आए भगवान भक्त के बस में होते, अगर मैया ऐसे बुलाई हो तो पड़ोसी ना आई है, भगवान के तो बहुत दूर की बात है, दोनों